नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। प्रेस क्लब ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। किया देहदानी और विश्व रिकॉर्ड धारी विकास पचौरी का सम्मान। जी हां, आज स्थानीय विश्राम गृह में प्रेस क्लब गंज बासोदा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी की घोषणा प्रेस क्लब के अध्यक्ष नीतेश नायक द्वारा की गई एवं नगर के पत्रकारों की विभिन्न मांगों के संदर्भ में विचार विमर्श कर प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश नायक को सौंपा गया। इस मौके पर जिले भर में निशुल्क रक्तदान शिविर लगाने वाले विकास पचौरी का फूलमालाओं एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व सम्मान किया गया। प्रेस क्लब गंजवासोदा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों के लिए नगर में प्रेस क्लब भवन के लिए नवीन वसिष्ठ सब्जी मंडी मार्केट में स्थान उपलब्ध कराने और पत्रकारों के आवास सुविधा के लिए कामधेनु कॉलोनी या बेहलौट में भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई। उक्त बैठक में प्रेस क्लब के संरक्षक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर डीपी शर्मा, कैलाश सक्सेना, अनिल यादव, यशपाल यादव, ओम प्रकाश चौरसिया, अखिलेश लाहौरी सहित प्रेस क्लब के सचिव नरेश मीणा, राजा छारी, लक्ष्मी नारायण चौबे, देवेंद्र त्रिवेदी, शैलेंद्र सक्सेना, हरीश भवसार सहित प्रेस क्लब के कई युवा पत्रकार उपस्थित रहे। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। ये संस्था रजिस्टर्ड है, आपके माध्यम से, आपके समर्थन से, आपके माध्यम से मैं आपको एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि निश्चित लगभग 4 वर्ष पूर्व विदिशा से शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 146,000 से अधिक निशुल्क ब्लड ग्रुप परिचय कार्ड बनाकर देने का सौभाग्य ईश्वर ने हमें दिया है। सेवा का माध्यम जो ईश्वर ने हमें बनाया है,